कोरोना महामारी इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है, आप लोग कृपया करके बिना मास्क के बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अनावश्यक घर से जब तक आवश्यकता ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। इस प्रकार अब इस बार जो संक्रमण हो रहा है वो बहुत ही घातक है, इसलिए आप लोग जो इसके प्रोटोकॉल हैं उसका अच्छा सा पालन करें। लाखों लोग पड़े हमारे देश में कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, अतः आप सभी लोगों को पुनः जागरूक किया जा रहा है कि बिना मास्क लगाए हुए कोई भी आदमी अपने घर से बाहर न निकले, अपनी जान जोखिम में न डाले, अपने हाथ को बाहर से जाने के बाद धोते रहे, अक्सर दिन में 2-4 बार 8 बार अपने हाथों को साबुन से धुलते रहे, एक दूसरे से संपर्क में आने से बचे, हाथ बुलाने से बचिए। बराई पुलिस कई फ्रंट पर कोविड को लेकर के काम कर रही है। सबसे पहले तो मास्क में चालान काटा जा रहा है और तेजी से, जिससे लोगों को जो है पहले तो समझाया बुझाया गया, लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से गाड़ियों में स्पीकर लगा करके, और गांव-गांव में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं, उसमें भी कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, उसको जो है हम लोग बता रहे हैं। उसके बाद इन निर्देशों का न अनुपालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें मास्क में चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऑक्सीजन से प्लांट्स को जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के भी चौकन्ने हैं, वहाँ पर भी ड्यूटियाँ लगी हैं, हम सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन जो होता है हफ्ते का, उसका भी गंभीरतापूर्वक उसका अनुपालन कराते हैं और कोशिश करते हैं कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भी कोई व्यक्ति बाहर न निकले। इस तरह से हम लोग कोविड को लेकर के कई फ्रंट पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कितने का अब तक चालान बहराई की पुलिस काट चुकी होगी? लगभग लाखों का चालान, भारी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं, और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि बहराई शहर में लोग अब मास्क लगा के चलने लगे हैं। 80-90% अगर कोई गांव देहात से आ जा रहा है तो भले वो मास्क न लगाया हो, लेकिन जो शहर के लोग हैं 90% लोग मास्क लगाने लगे हैं। अच्छा, बहराइच में जो काफ़ी लोग हैं जो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन ले रही पुलिस? उनके खिलाफ भी अगर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाएगा तो उनके उचित धारा मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।